हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग झारखंड के कुछ प्रमुख नदी और वहाँ लगने वाले मेला के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सती घाट मेला कौन नदी धारे लगे, यानी कि सती घाट मेला जो है कौन से नदी के किनारे में लगता है। ऑप्शन ए करकरी, ऑप्शन बी सबरनखा, ऑप्शन सी दामोदर या ऑप्शन डी कोयल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सबरनखा। सती घाट मेला जो है स्वर्णरेखा नदी के किनारे लगता है। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा नागपुरे गंगा नदी कौन ताके कथिक, यानी कि छोटा नागपुर में जो है गंगा नदी के नाम से कौन से नदी को जाना जाता है। ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी राड़ू, ऑप्शन सी सबरनखा या ऑप्शन डी करकरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सबरनखा। छोटा नागपुर में जो है स्वर्णरेखा नदी को गंगा नदी के रूप में जाना जाता है। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बूढ़ाडीह मेला कौन नदी के धारे लागे, यानी कि बूढ़ाडीह मेला जो है कौन से नदी के किनारे में लगता है। ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी सबरनखा या ऑप्शन डी राड़ू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांची। बूढ़ाडीह मेला जो है कांची नदी के किनारे में लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पालना टुसू मेला कौन नदी के धारे लगे, यानी कि पालना टुसू मेला जो है कौन से नदी के किनारे में लगता है। ऑप्शन ए सबरनखा, ऑप्शन बी कांची, ऑप्शन सी करकरी या ऑप्शन डी गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करकरी। पालना टुसू मेला जो है करकरी नदी के किनारे में लगता है। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दशम फॉल कौन नदी आए, यानी कि दशम फॉल जो है कौन से नदी में आता है। ऑप्शन ए राड़ू, ऑप्शन बी कांची, ऑप्शन सी करकरी या ऑप्शन डी सबरनखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांची। दशम फॉल जो है कांची नदी में आता है। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम धारा कौन नदी आए, यानी कि गौतम धारा जो है कौन से नदी में है। ऑप्शन ए राड़ू, ऑप्शन बी करकरी, ऑप्शन सी सबरनखा या ऑप्शन डी कोयल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राड़ू। गौतम धारा जो है राड़ू नदी में है। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हुंडरू फॉल कौन नदी आए, यानी कि हुंडरू फॉल जो है कौन से नदी में है। ऑप्शन ए सबरनखा, ऑप्शन बी करकरी, ऑप्शन सी कांची या ऑप्शन डी राड़ू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सबरनखा। हुंडरू फॉल जो है स्वर्णरेखा नदी में है। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड डे गुंज मेला कहाँ लगे, यानी कि झारखंड में जो है गुंज मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी देवघर या ऑप्शन डी सिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिल्ली। झारखंड में जो है गुंज मेला सिल्ली में लगता है। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन नदी के बांध बांधी के चांडिल डैम बनल आए, यानी कि कौन से नदी को बांध के जो है चांडिल डैम बनाया गया। ऑप्शन ए सबरनखा, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी संख या ऑप्शन डी दामोदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सबरनखा। तो दोस्तों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी अगर आप हमें सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में यहीं पेंट करता हूँ। तो जाते जाते आप लोगों के लिए दो लाइन। डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिनसे अगर आप बच के नहीं रहोगे, आपको यह पता नहीं है कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी चीज़ आपके लिए गलत है। यह जजमेंट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप बहुत बड़े लॉस में जा रहे हो। इसलिए दोस्तों, आप अपना मन लगा कर पढ़ाई करें और अपने माँ बाप का जो भी सपना है वो ज़रूर पूरा करें। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। आप अपना ध्यान रखें और अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।